उत्तराखंड में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस के एक विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। उत्तराखंड से द्रौपदी मुर्मू को 51 विधायकों का समर्थन मिला है। यशवंत सिन्हा के पक्ष में 15 विधायकों ने मतदान किया, 51 का समर्थन मिला। द्रौपदी मुर्मू को उत्तराखंड की सत्ता में से 67 सदस्यों ने मतदान किया था, जिसमें से 67 सदस्यों से एक विधायक का मत अवैध रहा। और उत्तराखंड में भाजपा के 47 विधायक हैं, 2 निर्दलीय हैं। भाजपा के मंत्री चंदन रामदास ने नहीं किया था वोट, स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं कर सके थे वोटिंग। बसपा के 2 विधायकों ने भी मुर्मू का समर्थन किया था। कांग्रेस के 19 विधायकों में 17 ने नहीं मतदान किया था, नहीं सिर्फ मतदान किया था, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के 19 विधायकों में से 17 ने ही सिर्फ मतदान किया यहां पर। और ये खबर है कि क्रॉस वोटिंग उत्तराखंड में भी हुई और यहां पर 1 वोट क्रॉस हुआ। और पंकज पवार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। पंकज, क्रॉस वोटिंग की खबरें जगह जगह से आई हैं और विपक्षी खेमे में तो सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड में भी 1 वोट ले गई बीजेपी। अब बिल्कुल, अगर कहा जाए तो उत्तराखंड में 1 कांग्रेस के विधायक ने क्रॉस वोट किया है, और अगर एनडीए के वोट देखे जाए तो 51 से ज्यादा नहीं हो सकते थे। उनमें से 1 मंत्री ने, जो चंदन रामदास जो बीमार थे, उन्होंने वोट नहीं किया, तो 50 ही वोट होने चाहिए थे। लेकिन जब वोटों की गिनती पूरी हुई तो 51 निकले, और कांग्रेस के जो 19 विधायक थे, 19 में से 17 ने वोट किया था, तो कम से कम 17 वोट तो होने चाहिए, तो उनको मिले हैं 15, उसमें से 1 अवैध बताया गया है और 1 जो है वो क्रॉस वोट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में भी क्रॉस वोट कांग्रेस के 1 विधायक ने किया है। और अब देखना दिलचस्प होगा, क्या उस विधायक को चिन्हित कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, और क्या व्हिप का उल्लंघन करने पर क्या उसकी सदस्यता भी जा सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, 1 कांग्रेस विधायक ने कर दिया है क्रॉस वोट और अपनी पार्टी से धोखा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर आपको बता दें लखनऊ से, भूजल